तो हमारे हाथ में है ग्रेनारो वायरलेस माइक्रोफोन, जिसका हम करने वाले अनबॉक्सिंग, उसके बाद दिखाएंगे इसका रिव्यू कि इसकी कैसी वॉइस क्वालिटी है। तो चलिए फटाफट अनबॉक्सिंग करते हैं। तो कुछ इस तरीके का बॉक्स है। सबसे पहले हम जो है कि इसे यहाँ से फाड़ देते हैं और यहाँ पे निकालते हैं, देखेंगे इसका किस तरीके का बॉक्स है। ये मैंने निकाल दिया और ये हमारा निकला ग्रेनारो वायरलेस माइक्रोफोन। इसके साथ कुछ जो है कि बिल वगैरह आते हैं, तो इसे मैं ये काम का नहीं, इसे फेंक देते हैं। और ये है हमारा ग्रेनारो F13 Pro। तो कुछ इस तरीके का बॉक्स है। इसे मैं यहाँ से जो है कि कट कर देता हूँ। बॉक्स ऊपर से जो है कि इसकी प्लास्टिक से कवरिंग की गई है, तो मैंने प्लास्टिक को हटा दिया है। अब मैं बॉक्स को खोलता हूँ, देखता हूँ उसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले में मिलता है वारंटी कार्ड, जो कि 1 ईयर की रहती है ग्रेनारो की तरफ से। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो 1 ईयर की इसमें वारंटी मिलती है, तो इसे हम वारंटी क्लेम करके उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हमारा है मेन चीज़, ये है वायरलेस माइक्रोफोन ग्रेनारो का। मैं इसे निकाल लेता हूँ और सबसे पहले मैं इसे ही निकाल के देखता हूँ। ये प्लास्टिक में रखा गया है और कुछ इस तरीके का है डब्बा, देख सकते हैं आपको आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, तो इस तरीके का है। मैं इसे उठा के देखता हूँ और ये रहा हमारा माइक्रोफोन। इसमें 2 माइक्रोफोन है और 1 रिसीवर है, ठीक है, यानी 2 ट्रांसमीटर है 1 रिसीवर है, देख सकते हैं। ये इजीली जो है कि इससे निकल जाता है। और ये इसका चार्जिंग केस है। इसमें यहाँ पे जो है कि चार्जिंग डिस्प्ले दिखाया गया था कि है या नहीं पता नहीं, ये तो घर जाने के बाद पता चलेगा जब इसे चार्ज में लगाऊंगा मैं, अभी तो पता नहीं चल रहा है। और ये हमारा जो है कि लेटेस्ट वाला है, जिसमें सारे नोटिफिकेशन, यानी कि इसमें ये डिस्प्ले मिलता है, ये डिजिटल डिस्प्ले देख सकते हैं यहाँ पर। म्यूट, बैटरी और पेयर का सारा इसमें दिया गया है। इसका एक जो है कि ओल्ड वर्जन भी आता है, जो कि आपको करीबन 2400 या 2300 में मिल जाएगा, बट ये मैंने 2800 का लिया है। लेटेस्ट वर्जन है ग्रेनारो का वायरलेस माइक्रोफोन ये। तो इसका मैं अब जो है कि रिव्यू दिखाने वाला हूँ कि इसकी किस तरीके की आवाज़ें है। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ उसके साथ और बॉक्स में क्या क्या मिलता है। इस तरीके का डब्बा है, इसमें देखते हैं क्या आखिर है, कौन सा खजाना छुपा हुआ है। तो यहाँ पे मिल जाता है जो USB केबल चार्ज करने के लिए, और इसमें 2 OTG यानी 2 नहीं 3 मिलते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर ये 3 एडेप्टर मिलते हैं। ये है आईफोन में लगाने के लिए, जो है कि अगर आपका आईफोन है तो आईफोन में इसे ये फ्लैश केबल लगा सकते हैं, और इसमें जो है कि टाइप सी लगा सकते हैं। और ये चार्जिंग पोर्ट है, ठीक है, तो इसे चार्ज कर सकते हैं, इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। और ये रही जो है हमारी 2 एडेप्टर, जिसमें आप जो है कि एक माइक में लगा करके रियल टाइम वॉइस सुन सकते हैं, ठीक है, और एक रिसीवर में भी लगा के आप रियल टाइम सुन सकते हैं। तो 2 माइक्रोफोन के साथ 2 जो एक अडेप्टर आए हैं, तो देख सकते हैं आप लोग। तो अब मैं आपको एक रिव्यू दिखाता हूं कि आखिर इसकी किस तरीके की आवाज़ है, किस तरीके की नॉइस कैंसिलेशन है। तो चलिए अब रिव्यू पे चलते हैं। तो इस माइक को कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले यहाँ से रिसीवर को निकाल देंगे, ये रिसीवर है, और इसे निकाल के सिंपली जो है कि अपने फ़ोन के चार्जिंग केबल में इसे लगा देना है, ठीक है। तो जैसे लगाते देखिए लाइट यहाँ ब्लिंक कर रही है, ठीक है। अगर आपके फ़ोन में OTG कनेक्शन वाला ऑप्शन ऑफ है तो ये लाइट ब्लिंक नहीं करेगी, बट हमारा जो है कि पोको का फ़ोन है तो इसमें ऑप्शन कुछ नहीं रहता है ऑन करने का, ये जो है कि हमेशा जो है ऑन ही रहता है इसमें, बट रियलमी और MI के फ़ोन इसमें ऑन करना पड़ता है। तो आप सेटिंग में जाके OTG कनेक्शन ऑन कर लेना, ठीक है। तो यहाँ देखिए लाइट ब्लिंक हो रही है, और इसे मैं सिंपल सा यहाँ पर निकाल लेता हूँ कोई एक रिसीवर, और इसे जो है कि जस्ट प्रेस करके रखता हूँ थोड़ा देर यहाँ पे, जो है कि जैसे ही प्रेस करके रखूँगा 3 सेकंड तक, ये जो है कि माइक ऑन हो जाएगी। और देखिए यहाँ पे पेयर हो चुकी है, ये पेयर वाला जो आपको दिख रहा है साइन, इसका मतलब ये पेयर हो चुका है, ठीक है। अब मैं आपको इसका वॉइस क्वालिटी सुनाता हूँ। तो अब ये हमारी आवाज़ें सुन रहे हैं ग्रेनारो S13 Pro वायरलेस माइक्रोफोन से, कुछ इस तरीके की इसकी आवाज़ें हैं। और अभी मैंने Level 3 पे इसका नॉइस कैंसिलेशन एक्टिवेट करके रखा है, यानी कि लास्ट लेवल पे इसका, इसमें 3 लेवल मिलते हैं नॉइस कैंसिलेशन के, जो कि मैंने आखिरी लेवल पे सेट करके रखा है। तो कुछ इस तरीके की आपको आवाजें आएंगी अगर आप जो है कि इस माइक्रोफोन को यूज करते हो। तो इसका जो है प्राइस 2800 रुपए है, जिसे मैंने अमेजोन से परचेस किया था। इसका एक ओल्ड वर्जन आता है जो कि 2300 रुपए का आता है, डबल वाला, डबल माइक्रोफोन वाला, तो वो भी आप ले सकते हैं, बट वो मुझे दिखने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। और उसमें एक जो है फीचर नहीं है, वो LED इंडिकेटर वाला, जिसमें कि आपको दिखे कि चार्जिंग कितना है। तो ये जो लेटेस्ट वाला है, इसमें आपको दिखता है कि
आपका माइक्रोफोन कितना परसेंट चार्ज है ये भी आपको शो करता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और इसमें जो है कि कनेक्टेड है या नहीं, इसमें ये भी शो करता है कि आपका माइक्रोफोन कनेक्ट है या नहीं है, कितना बैटरी है, बैटरी चार्ज है या नहीं है, सारे जो है कि इसमें शो करते हैं। अगर माइक्रोफोन की बैटरी कम हो जाती है तो इसमें रेड लाइट जलने लगती है, बैटरी का सिंबल आ जाता है। तो ये काफी अच्छा लगा मुझे इसमें थोड़ा सा फीचर, इसी वजह से मैंने लेटेस्ट वाला लिया है। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके की आवाज इसकी आती है। और अब मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ, देख सकते हैं दिखाऊंगा कि जैसे अगर आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं तो उस टाइम आपको किस तरीके की आवाज इसमें आएगी। ठीक है, तो अभी मेरे पास सिंगल माइक है यहाँ पे देख सकते हैं, और इसकी बैटरी लगती है डाउन हो रही है, इसलिए आपको जो एक थोड़ी आवाज में जो है क्वालिटी की गड़बड़ लग रही होगी। तो मैं यहाँ से दूसरा माइक्रोफोन निकाल लेता हूँ और इसे मैं यहाँ से ऑन कर लेता हूँ और इसे कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसे कनेक्ट कर लिया है और ये चार्ज है, ये कनेक्ट भी हो, जैसे ही आप इसे ऑन करेंगे ऑटोमेटिक चार्ज हो जाता है। तो देखते हैं, अब मैं इसे अपने फ्रेंड को देने वाला हूँ, और तो मैं इसे दे देता हूँ लगाने के लिए। तो मैं यहाँ पे इसको जो है कि लगा देता हूँ और इनसे कुछ बातचीत करता हूँ। तो भाई साहब बताइए, आपने शादी कर ली है? हाँ भाई साहब, मैंने तो शादी कर ली। तो कितने बच्चे हैं आपके? पता नहीं, गिने नहीं है। मतलब गिने नहीं है, कितने हैं फिर भी? मतलब शादी करना मतलब बच्चे होना है क्या? अरे अगर शादी किए हैं, हम ये नहीं बोल रहे हैं होना, लेकिन शादी करते हैं तो। अच्छा, कितने साल पहले आपने शादी की है? साल तो 4 साल हो गए भाई साहब। 4 साल हो गया और अभी तक आपके एक भी बच्चे नहीं है? मतलब नहीं, सबसे बड़ी बात यह थी कि हमको जानकारी नहीं था शादी होने के बाद बच्चा होता है, इसलिए शायद नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप एक काम कीजिए भाई साहब, आपको जानकारी लेना है कि बच्चे होते हैं शादी के बाद? यस यस, मुझे तो पता ही नहीं कि शादी के बाद बच्चे तो आप हमको भाभी से मिला दीजिए, हम बता देंगे अच्छे से कैसे होते हैं। नहीं नहीं, आप हमको बता दीजिए, हम वो सारे। नहीं ना, आपको नहीं बता सकते ना, आपके पास। छोड़िए छोड़िए, अरे कहना क्या चाहते हो? तो कुछ इस तरीके की आवाजें हैं इसकी, देख सकते हैं आप लोग। अब मैं आपको दूर जाके दिखाऊंगा कि कितना दूर तक की वॉइस रिकॉर्ड करता है। तो चलिए मैं दूर में चला जाता हूँ। तो मैं धीरे धीरे दूर जा रहा हूँ, तो देखिएगा, मैंने बहुत से माइक्रोफोन को देखा है जब आमने सामने से बात कर, और मोबाइल के बीच में अगर कुछ आ जाता है खराब हो जाती है, कनेक्शन सही से नहीं मिलता है। ठीक है, नहीं अगर समझ लो कि अगर आप इस तरह से घूम के बातें करोगे तो आपकी आवाज़ अच्छी नहीं आएगी, ऐसा मैंने बहुत से माइक्रोफोन में देखा है। तो हो सकता है इसमें भी ऐसा हो। तो फिलहाल मैं करीबन 80 मीटर की दूरी पे आ चुका हूँ और धीरे धीरे मैं ऊपर जा ही रहा हूँ। अभी तक मुझे नहीं पता मेरी आवाज़ें आ रही है या अभी नहीं आ रही है, मुझे लगता है शायद आ रही होगी, क्योंकि मैंने इसे पिछले वीडियो में जो एक ब्लूटूथ एयरफोन का रिव्यू किया था, जो एक ब्लूटूथ एयरफोन को आप कैसे जो है कि जो माइक यूज कर सकते हैं, उसमें मैंने बताया था और उसमें दिखाया था कि मैं करीबन 120 मीटर की दूरी पे भी आ गया था, फिर भी जो है कि अच्छी आवाज़ें ब्लूटूथ एयरफोन के जरिए रिकॉर्ड हो रही थी। तो अगर उससे भी ये घटिया हो सकता है, आई मीन अगर उससे कम रेंज अगर ये देता है तो मैं तो ब्लूटूथ एयरफोन को ही प्रीफर करूँगा। भले उसमें नॉइस कैंसलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी वायरलेसली वो उतना दूर कवर कर लेता है, फिर भी मुझे लगता है कि ये कवर कर लेगा, क्योंकि ये माइक्रोफोन बहुत जो है कि ट्रेंड में है। अभी बहुत लोगों को मैंने देखा है इसे यूज़ करते हुए। मैं गाइस पहाड़ पे चढ़ रहा हूँ अभी, देख सकते हैं आप लोग, और मुझे नहीं पता कि आवाज़ें आ रही है या नहीं आ रही है, शायद आ ही रही होगी। तो अगर इतनी दूर में अगर आवाज़ें नहीं आ रही तो मैं तो बोलूँगा भाई कि आपको ये ब्लूटूथ एयरफोन को जो है कि माइक की तरह यूज कर लो, क्योंकि जब इतना सा रेंज अगर नहीं देगा माइक्रोफोन तो फिर क्या ही फ़ायदा है। ठीक है, तो इसमें नॉइस कैंसिलेशन जो मैंने एक्टिवेट करके रखा है, ठीक है, तो पता नहीं कितना नॉइस कैंसिल कर पा रहा होगा, मुझे तो आइडिया नहीं लग रहा है। अगर आप लोग सुन रहे होंगे हमारी आवाज़ें तो आप लोग बताइएगा। तो कुछ इतनी दूर पे मैं हूँ, देख सकते हैं, शायद मैं कैमरे में नहीं दिख रहा हूँ, तो थोड़ा और दूर में चला जाता हूँ, देखता हूँ वहाँ तक आती है या नहीं। और जितना मुझे पता है, अगर आप कैमरे में सही से नहीं दिख रहे हो तो फिर आपके वॉइस का कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा कोई वीडियोस नहीं बनाता है जो कि कैमरे में ही ना दिखे, और वो इतना दूर में कोई वीडियो नहीं बनाता जो कि कैमरे में ना दिखे और वो वीडियोस बनाए। ठीक है, तो कैमरे में जहाँ तक दिखता है वहाँ तक ही जो है कि कोई वीडियो रिकॉर्ड करता है, इसलिए इतनी दूर जाकर रिकॉर्ड करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। फिर भी मैंने एक टेस्ट कर लिया कि कितनी दूर तक ये आपको रेंज देगा। तो मैं धीरे धीरे क्लोज जा रहा हूँ, तो देखता हूँ कि कैसी आवाज़ें हैं इसकी। तो काफ़ी अच्छा माना जाता है इस माइक्रोफोन को, पता नहीं क्यों माना जाता है, और मुझे अभी पता नहीं है, जब मैं इसको यूज़ करूँगा अच्छे से, पर्सनली जब इसे मैं यूज़ करूँगा तो ही मुझे समझ आएगी कि आखिर इसका इतना माइक्रोफोन का।
थोड़ा सा जो है कि उछल रहा हूँ, तो हल्की हल्की नॉइस भी है अगल बगल, पता नहीं आवाज़ आ रही होगी आपको। और अभी मैं आपको बाइक के साथ भी दिखाऊंगा नॉइस कैसा आएगा, आई मीन बाइक चलेगी और मैं आपको बोल के दिखाऊंगा कि इंजन की आवाज़ के सामने जो है कि किस तरीके की नॉइस कैंसिल करेगा। तो ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी सबसे पहले मैं उसे थर्ड लेवल पे जो है कि नॉइस कैंसिलेशन को एक्टिव कर देता हूँ। मुझे नहीं पता कितना लेवल पे मैंने किया था उस टाइम, याद नहीं आ रहा मुझे। तो मैं यहाँ पे जो है कि इसको एक बार क्लिक करता हूँ, 2 3, तो यहाँ पे जो है कि 3 बार लाइट ब्लिंक कर ली, इसका मतलब ये थर्ड लेवल पे नॉइस कैंसिलेशन एक्टिव हो चुका है। और अब मैं जो है कि इसे अपने बाइक के जो है कि इंजन को बाइक को स्टार्ट करता हूँ और देखता हूँ कि इसकी आवाज़ के सामने मैं अगर पता हूँ तो कितना ये जो कोई वॉइस जो है नॉइस जो इसका जो कैंसिल करता है। कर देता हूँ फिलहाल क्योंकि चलने लगी नहीं तो। चलो ठीक है, इतना हो चुका है ऑन, और मैं इसे स्टार्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया तो हमारा गाड़ी भी स्टार्ट है और अपना आप लोग सुन सकते हैं। तो कुछ इस तरीके की आवाज़ें हैं। अगर मैं इतने से बात करूँ, ये गाड़ी चल रही है, बहुत शोर हो रहा है इस जगह, और मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि अच्छी आवाज़ें आ रही है नहीं आ रही है। मैं थोड़ा और आवाज़ बताता हूँ, इस तरीके की आवाज़ें हैं देख सकते हैं आप लोग। मुझे पता अगर आवाज़ आ रही होगी, इसकी बहुत ज़्यादा नॉइस आ रही है। मैं आपको बता दूँ, ये बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है इंजन, इसका बहुत ज़्यादा नॉइस आ रही है। फिर भी मैं आज जो है कि आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं, फिर से आवाज़ बढ़ाता हूँ, देखता हूँ कैसी आवाज़ इसकी रिकॉर्ड होती है। इतने ज़्यादा नॉइस में आपको किस तरीके की वॉइस क्वालिटी आपको मिलेगी, मैं आपको दिखा रहा हूँ इस लाइव वीडियो में, देखते हैं। मैं फिर से बढ़ा दिया है फिर से, ठीक है, तो फिर से भी आपको आवाज़ें दिख रही होगी। तो अब मैं इसे बंद कर देता हूँ। तो गाइस, आपको आइडिया लग चुका होगा कि किस तरीके की आवाज़ें आपको नॉइस में मिलेगी। सो गाइस, मैंने जहाँ तक इस माइक को यूज किया और देखा तो मुझे ऐसा लगा कि अगर आप इस जगह से बात कर रहे हो आमने सामने होके तो बहुत अच्छी आवाज़ें आएगी, लेकिन अगर जैसे ही आप ऐसे घूम जाते हो और माइक और कैमरे के बीच थोड़ा सा आड़ हो जाता है तो फिर आपकी आवाज़ें जो है कि गिर 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 करने लगेगी, आपकी आवाज़ें अच्छी नहीं आएगी। लेकिन अगर आमने सामने बात करेंगे तो बहुत अच्छी आवाज़ आएगी, लेकिन जैसे मैं इधर घूम जाता हूँ और चलते हुए कुछ बोलता तो आवाज़ बहुत ही खराब आवाज़ आती है, कुछ भी मतलब सुनाई नहीं देता है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ, अगर आमने सामने रह के आप कुछ बोलेंगे तो बहुत अच्छी आवाज़ आएगी, अगर आप थोड़ा सा भी ऐसे घूम जाते हैं तो आवाज़ अच्छी नहीं आएगी। तो अगर आप जो है कि कुछ ऐसे वीडियोस बनाते हैं आमने सामने होकर तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप कोई कॉमेडी वीडियोस शूट करते हैं, कॉमेडी वीडियोस में ऐसा होता है जैसे कुछ भी इधर घूमना पड़ता है उधर घूमना पड़ता है, तो कॉमेडी वीडियो के लिए मैं ये प्रीफर करूँगा कि ये माइक्रोफोन बेस्ट नहीं होगा, आप कोई और माइक्रोफोन ले लेना। बट अगर आमने सामने से वीडियोस बनाना है कुछ तो उसके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने वीडियो में, धन्यवाद।